वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बालों पे, फिर बालों का मैं एक मसला लेकर आई हूँ जो किसी भी किस्म के केमिकल की वजह से या फिर रिबॉन्डिंग एक्सीडेंट्स हो या हेयर कलरिंग या किसी भी रीजन की वजह से या मेडिकल कंडीशन की वजह से आप लोगों के बाल बहुत ड्राई डैमेज हो रहे हों, स्प्लिट एंड्स हो रहे हों, तो दैट वीडियो इज फॉर यू गाइज। दैट वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, जेब से पैसा लगता है हम लोगों का। मैं ये मास्क पिछले एक साल से मैं तकरीबन यूज़ कर रही हूँ और ये दूसरा जार है, और जब मुझे किसी चीज़ का रिजल्ट मिलता है तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हाँ जी यूज़ करो या ना करो। और आप देख सकते हैं बिल्कुल एंड में, ये एंड वाला सीन रह गया, ठीक है, ख़त्म हो चुका है ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट। तो इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं, और ये इस तरह का थोड़ा सा रनी है, तो थिक लेकिन थोड़ा सा रनी भी है। और इसको किस तरीके से यूज करना है, कैसे करना मैं बताती हूँ। इट्स अ कैरेटिन ट्रीटमेंट, ठीक है, हाँ, ब्राजीलियन सिल्क कैरेटिन स्पा है। पावरफुल नरिश करता है, रिपेयर एवरी हेयर फ्लेक्स, मेक एवरी हेयर हेल्थी स्मूथ एंड शाइनी, रिस्टोर चार्मिंग हेयर्स। इट्स अ थेरेपी शाइन, आपके बालों को रिपेयर करेगा, ठीक है। जो भी ड्राई डैमेज किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, हम उसके डीप डिस्कशन में नहीं जाते, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से आपका बाल खराब हुआ है, दैट प्रोडक्ट इज फॉर यू। यूज का क्या तरीका है, किस तरीके से करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों ने क्या करना, सिंपल अपने बालों को वॉश कर लिया, ठीक है, किसी भी शैम्पू से वॉश कर लिया, एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज आउट किया, तो जनाब आपने ये मास्क निकाल लिया, ठीक है। मास्क निकाल लिया, कोई भी सीरम आपके पास पड़ा हो वो सीरम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं पड़ा कोई बात नहीं, आप जस्ट सिंपली इस मास्क को निकालो, अपने पूरे बालों में अप्लाई करें, स्कैल्प को छोड़ के, स्कैल्प को छोड़ के पूरे बालों में अप्लाई करें। 5 से 10 मिनट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद सिंपली वॉश कर लिया। अदर मेथड, क्योंकि मैं मेथड इसलिए हमेशा बताती हूँ आप लोगों को कि जो इससे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करें, किसी को क्या पता है कौन से वे में उनको सूट कर जाए। आप लोगों ने क्या किया, इसी तरह बालों को वॉश कर लिया, और आप लोगों ने मास्क निकाला, बालों में अप्लाई कर लिया, और कम से कम 1-2 घंटे के लिए लगाकर छोड़ दें, भूल जाए इसको, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। तीसरा तरीका आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आपने सपोज बिफोर शैम्पू जो कंडीशनिंग करते हैं, आपने ये मास्क निकाला, पूरे बालों में लगाया, हल्का हल्का स्प्रे करके बालों को वेट कर दिया, पूरे बालों में लगा लिया, शावर कैप चढ़ा दिया, चलते फिरते अपने काम भी करते जाएं, जब तक आपने शावर लेना होगा तब तक इसने अपना वर्क कर लिया होगा, उसके बाद आराम से आपने अपना शावर लिया, ठीक है, बालों को किसी भी शैम्पू से वॉश कर लिया, फिर अगेन ये मटेरियल थोड़ा सा निकाला, पूरे लेंथ में लगाया, और 5 मिनट के लिए छोड़ दिया, 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के लिए मैक्सिमम या मिनिमम छोड़ दिया, फिर उसके बाद सिंपली वॉश किया। और जो फर्दर आप लोगों ने लीव ऑन कोई क्रीम लगाना चाहे या सीरम लगाना चाहे तो वो लगा लिया। ये इसका मेथड है, आप 3 तरीकों से इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं हकीकत बात बता रही, एक तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत बहुत अच्छी है, और यानी अगर आपने 2 से 3 दिन आपने बाल नहीं वॉश किया ना, तब भी इसका रिजल्ट रहेगा, आपके बालों से स्मेल आएगी, और ये आपके बालों को वाकई इतना स्मूथ कर देता है, आई विश कि मैं भी आपको शो कर सकती। तो ये बगैर किसी यानी कंघा शंगा किए आप आराम से हाथों में यानी बालों में हाथ डालोगे, और बहुत स्मूथली आपके बालों में जो है वो हाथ जाएगा, टेंगल फ्री हो जाएंगे आपके बाल, और वाकई रिपेयर करता है। बालों में एक बाउंसी आती है, एक शाइन आती है, एक जो वेटलेस बाल हो जाते हैं या जो बिल्कुल फुले फुले बाल हो जाते हैं उनको भी यानी सेट कर देता है। तो मेरी तरफ से तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट शॉप्स पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस लगे हुए हैं। मैंने जो है रियाज से लिया था तो इट कॉस्ट मी अराउंड 1300 समथिंग, और कहीं पे जैसे लाइक डिवॉटसन हो गया या शाहीन केमिस्ट हो गया, कहीं पे भी जाए तो हर बंदे ने अपने अलग अलग प्राइजेस रखे हुए। तो मैंने एक और प्रोडक्ट पे भी रिव्यू किया था, वो भी ब्राजीलियन प्रोडक्ट था, बट यू कांट बिलीव कि 98% तक के बालों को रिपेयर करता है। तो हाँ करता है ये प्रोडक्ट, वाकई करता है यार, इतना सडनली नहीं करता, बट इट विल मेक योर हेयर सो स्मूथ एंड शाइनी, और आपको एक विजिबल चेंज नजर आएगा बालों के टेक्सचर में, ठीक है, और बाकी डिटेंगल हो जाते हैं बाल, बड़े स्मूथ हो जाते हैं। तो मुझसे तो ये प्रोडक्ट बहुत बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इसमें आर्गन है, आर्गन ऑयल विच हेल्प्स यूर हेयर, ठीक है, जो
क्योंकि आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल स्टाइलिंग एंड अदर केमिकल्स यू डू। और दूसरा ये है कि अगर आप हेल्टिंग टूल्स ज़्यादा यूज़ करते तो इसके साथ आपको कंडीशनर वगैरह ये चीज़ें इसलिए यूज़ करनी चाहिए कि आपके बालों को फर्दर डैमेज होने से बचाए। आपके बालों को जो है वो प्रोटीन प्रोवाइड करता है जो कि केमिकल्स वगैरह यूज़ करने से वो निकल चुके होते हैं। तो ये जो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया ना कि कम से कम 40 मिनट्स के लिए छोड़े ताकि वो आपका बाल जो है इसको पी जाए, जितना वो प्रोटीन पिएगा और अब्जॉर्ब करेगा उतना ही आपका बाल रिपेयर होगा, बाल जो है सॉफ्ट होगा, शाइनी होगा। तो दैट प्रोडक्ट इज़ हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, विटामिन B5 हो गया, ठीक है, सिल्क अमीनो एसिड हो गया, ग्लाइकोलिक हो गया, प्यूरिफाइड वाइट वाटर है, ठीक है, कैरेटिन है इसमें, सोडियम एस्कॉर्बिक सल्फेट है, सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छी हैं। तो दैट प्रोडक्ट इज़ हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड गाइस। आप इसको लास्ट में मेरी रिकमेंडेशन पर एक दफ़ा यूज़ करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको भी वही रिजल्ट मिले कि नहीं मिले जो मुझे मिले हैं, ठीक है। तब तक ही मेरी दुआ में याद रखिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरों के साथ ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए आती रहे। तब तक ये दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।